आज मेरा एग्ज़ाम है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ आ रहा है। मतलब मेरा दिमाग पढ़ के भी ब्लैंक हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा भी है कि उड़ ही रहा है। ऐसा ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे। चाय पीते हैं, चाय के जूस क्या लेते हैं, उसके बाद एक रिविजन मारूंगी, तैयार हो जाऊँगी, बस उसके बाद ही पढ़ूँगी। बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ते। चाय की जूस की, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, चाय तो ज़रूरी है। चाय पीने के बाद मैंने रिविज़न किया, उसके बाद मुझे फिर से भूख लग गई। मुझे जितना मैं पढ़ती हूँ उतना मुझे भूख लग जाती है। उसके बाद मैंने अपने लिए चपातियाँ बनाई क्योंकि मुझे निकलना था, 12 o'clock ऑलमोस्ट हो चुके थे। गुड, तो ये शाम की सब्ज़ी है, चपाती मैंने अभी बनाई, थोड़ा सा सलाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में मैंने अपने लिए टोस्ट बनाए थे, तो पहले पेट पूजा डन और मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया है, और मैंने प्रेस भी कर लिया अपने कपड़ों में। तो फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और अब है देरी जाने की। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे बाहर, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, और अब देखते हैं क्या होता है। ये है मेरा फुल ऑन आउटफिट। एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए हम लोगों ने कैब की थी, एक और दीदी ने जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच रही थी। इधर मेरा एग्ज़ाम है वज़ीरपुर में, और फाइनली 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे। सो फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ था मेरा एग्ज़ाम अंदर, बट अभी मैं जाऊँगी, अभी मेरी फ्रेंड आ रही है, वो एग्ज़ाम कर रही है। बहुत ही अजीब लगता है मुझे लोगों के सामने वीडियो बनाना, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको, वो अभी अंदर एग्ज़ाम दे रही है बैठ के, मैं उसको बोलूँ जल्दी जल्दी आ बाहर। एग्ज़ाम बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था, और बैंड बज गई। उसके बाद अब प्रैक्टिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बाद मेरा प्रैक्टिकल है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाना है। ये है मेरा फुल ऑन आउटफिट। पहले तो मुझे सब के सब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो चक्की घूम रही है ये है क्या, मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है या कौन सा काम है ये। मुझे बताना कि आप लोग क्या समझते हो इस घूमती हुई चक्की से, आप क्या समझते हो। ठीक है, ओके डन। तो मैंने घर जाना था, 6 बज चुके हैं। यहाँ पर दो जोड़े बैठते हुए बेचारे कबूतर बड़े हैं दिल्ली में यार। सुबह के समय और शाम के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ जगह पे दिल्ली इतनी सुंदर लग रही थी, इस मोमेंट पर भी बहुत अच्छा लग रहा था जब सनसेट हो रहा था। शाम के टाइम हम बहुत लेट पहुंचे थे क्योंकि 6 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 3 से 6 बजे तक एग्ज़ाम होता है। और हाईवे पे हमने कैब करी थी क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते तो कैब सस्ती पड़ती है, तो दीदी थी मेरे साथ और शुक्र है मेरे साथ कोई मुझे मिल गया दिल्ली में, तो मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा था। थैंक यू सो मच दीदी। और इधर आके मेरी शिकायत शुरू हो गई फिर से आपसे, सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम कब हो गया, हमने खाना वाना खा लिया, और मुझे याद ही नहीं रहती कि मैं व्लॉगर हूँ और मुझे शूट करना होता है, और मैं इसलिए ये आपसे कंप्लेंट कर रही हूँ कि अब मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जाके मैं उठी हूँ और अब मैं पानी पी रही हूँ अभी, और उसके बाद मैंने आज भी प्रैक्टिस है क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल है। बहुत नींद आ रही है, बहुत अभी भी बहुत नींद होती है, आलस आलस बहुत हो गया दिल्ली में आके। पानी पी लेते हैं तो सपोर्ट के। रियाज
इसलिए इशारों में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ दिक्कत है, क्योंकि मेरे साथ सर बैठे हैं अभी और हम मेरे साथ अक्षिता दीदी भी है। हम तीनों गए थे चाय पीने। सर बोलते यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, पर सच में इतनी स्वाद चाय है, मुझे बताओ किस किस ने यहाँ पे आके चाय पी है, मुझे ज़रूर बताना। ये सबसे फेमस चाय है खान मार्केट की। ओह माय गॉड, गाड़ी कहाँ से कहाँ चढ़ गई, देखो क्या क्या होता रहता है। अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट, लेट्स गो। कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत होती है, मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया गेट देखा और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना खूबसूरत लग रहा है और इतना भीड़ है यहाँ पे। इतना ये दूर से सुंदर दिख रहा था उतना ये करीब से भी बहुत सुंदर लग रहा है। वाह ब्यूटीफुल, रात के टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अमेजिंग, नो कमेंट। यहाँ से तो इतना सुंदर दिख रहा है ना, यहाँ से आगे सीधा वाओ, लाइक सीधा। नृत्य में स्पेशली क्लासिकल डांस में कलर्स का बहुत ज़्यादा एक महत्व है और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। इन कलर्स को देख के एक जोश आता है, आपको पता ही है नेशनल फ्लैग है उसके कलर्स है, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं डांस करूँ। उसके अब फिर थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल भी है कल, और सर ने मुझे आज बहुत अच्छे से गाइड किया, एक्सपीरियंस कराया कि बेटा यहाँ पे ये है, कल मेरा प्रैक्टिकल है, आई डोंट नो क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु है। मॉर्निंग गाइस, मेरा प्रैक्टिकल है और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, देखते क्या होता है। मैं पूरी कॉस्ट्यूम बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं आपसे वहाँ पर मिलती हूँ। अभी हो रहा है क्या आपका इंतजार, बाकी घर नहीं है दिल्ली में, दो घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, मैं पी रही हूँ कुछ। भीम की शक्ति धूम मचाए, आज फिर पीने की तमन्ना है। पंखा चलता है और नीचे रुबीना सोती है। मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका था, मेरा प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं घर आई और इतनी ज़्यादा गर्मी है। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली वाले लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी आँखें इतने से इतनी ज़्यादा, कभी तो खुली नहीं रही है, आँखें कैसे खुलती है दिल्ली में, इतनी गर्मी होती है ना, मन ही नहीं करता आँखें खोलने का, हवा लगती है ना तो आंखें खुल जाती है। यहाँ पे तो मतलब पंखा भी ऐसी गर्म हवा दे रहा है ना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी ही ये हाल है, मुझे दिल्ली वाले लोग बोल रहे हैं कि अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ओके देन बाय। मैं अभी थोड़ी देर सो गई थी, अभी उठी हूँ थोड़ी देर में, तो ओके देन बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।